Yes, good morning everyone, good morning. As we discussed in the last lecture, we already completed almost all the type of quartiles, deciles and percentiles. Now, today we are going to discuss the questions with missing frequencies. कौन सा क्वेश्चन करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मिसिंग मीन्स वॉट? के जिसमें आइदर क्वार्टाइल्स, आइदर डिसाइल्स, आइदर परसेंटाइल्स आपको दिया होगा, आपको सिर्फ फाइंड क्या करना होगा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन करवाता हूँ, देन आफ्टर वी कंटिन्यू विथ अवर एक्सरसाइज. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन so we have class interval up to the 50. okay, so अगर आप question properly बेटा read करेंगे, so in this question we have second decile, it is 13.75 and find the missing, this frequency is missing. तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है. ओके, सी वी हैव क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. वी अज्यूम एज अ ए, यू कैन अज्यूम एनी अल्फाबेट, इसको हमने ए अज्यूम किया है. एज यूजुअल आपका एलटीसीएफ का जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर करना है. नाउ अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस के ये क्वेश्चन में आपके पास डी टू इज ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 13.75, फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग. तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, वी जस्ट अज्यूम एज अ ए. अब एल टी सी एफ सेम प्रोसेस, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड करना है, टू प्लस ए, 12 प्लस ए, 15 प्लस ए, 17 प्लस ए. ओके, सो एज वी गोट द टोटल, टोटल कितना आपका यहां पे, टोटल 17 प्लस ए, दिस इज योर सिग्मा ए, दैट इज एन. यहां आपको डी टू गिवन है, फाइंड नहीं करना है. सो अगर क्वेश्चन वाइज में चलो, डी टू इज 13.75 विच इज गिवन. नाउ 13.75 जो आपको दिया है ना बेटा, तो आपको ए मिसिंग है वो कंसर्न नहीं करना है. अगर मेरा 13.5 मिसिंग है, अरे गिवन है, तो 13.5 कौन से क्लास इंटरवल में ऑलरेडी इंक्लूडेड था. So 13.75 it is included in, obviously ये missing है वो concern नहीं है बेटा. 13.75 कौन से class interval में, 0, 10, 10, 20, 20, 30, तो it is in between of 10 to 20. तो on the basis of D2 class interval is, क्या है D2 क्लास इंटरवल आपका, 10
220. इंफॉर्मेशन में आपका लोअर लिमिट 10 है, आपने जो सिलेक्ट किया है जो लोअर लिमिट 10, फ्रीक्वेंसी ए सीएफ जो आपने सिलेक्ट किया उसका प्री उसके पहले वाला सीएफ कितना है आपका 2, एच व्हाट इज द डिफरेंस हियर 10, ये आपके इंफॉर्मेशन से राइट. अभी आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है बेटा डी टू का एल प्लस डी टू ओके 2n/10 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन ए. सी फॉर्मूला लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी भी आपको कंफ्यूजन है यू कैन रिवाइज अवर पास्ट वीडियोस, तो उसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आपके वैल्यूज को आप कैसे प्रोसीड करेंगे. डी टू का फॉर्मूला एल प्लस इफ इट इज टू टू ए डिसाइड्स 10 सी एफ इंटू एच अपॉन ए डी टू 13.75 एल 10 टू एन ऑलरेडी आपका टोटल 17 प्लस ए अपॉन 10 सी एफ जो प्रीवियसली सिलेक्ट हुआ है वो 2 एच 10 एफ ए. रिलैक्स अलजेब्रिक पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा. अगर मैं यहां से आगे डिस्कस करूं ना ये नॉर्मल मैथ्स का आपका अलजेब्रा का समय वैसे आपको काउंट करना है. ये वैल्यू था 13.75 10 लेस किया ये कैंसलेशन 2 5 जा 17 प्लस ए अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन ए. अब कैसे काउंट करते हो बेटा वो अलजेब्रिक मेथड आप पे डिपेंड करता है. यहां मेरा आएगा 3.75 माइनस इसको आप शिफ्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या यू जस्ट कैन कीप एज इट इज 10 अपॉन ए. अगर मैं शिफ्ट करूं यह आ जाएगा मेरा ए अपॉन 10 17 प्लस ए एंड इफ यू वॉन्ट्स टू कीप एज इट इज यू कैन. हाँ वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ये आ गया आपका 3.75 17 प्लस ए माइनस 2 5 आर 10 अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन ए क्या आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन 10 अपॉन ए. उसको 17 माइनस 10 7 7 प्लस ए 5 2 आर 10 इसका देखो ये माइनस किया ये कैंसलेशन किया 2 अपॉन ए. अभी ये अलजेब्रिक मेथड को अगर आप प्रोसेस करते हो ना बेटा योर आंसर विल बी सेम. ये आपका सी 3.75 17 माइनस 10 7 प्लस ए ये ए ना मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट कर दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इट्स ओके ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3.75 ये 2 ए शिफ्ट होगा माइनस में माइनस 2 ए और ये लेस करेंगे तो यहां पे 14 आएगा सेवन टू जा 14 टू इंटू ए टू ए 14 अपॉन 1.75 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 14 एंड 1.75 को ये अंधेर हो जाएगा 25 तो अगर आप काउंट करते हो 14 को 1.75 से यू विल गेट ए एंड व्हाट इज अवर ए सो देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 8 अंडरस्टूड. सो एज पर द सी ये ना डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हुआ जैसे यहां पे आपके पास ऑलरेडी आंसर है
What is your D2? D2 is 13.75. आपको D2 थोड़ी फाइंड करना था, D2 आपके पास ऑलरेडी था। D2 के हेल्प से आपने क्या फाइंड किया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड किया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने अज्यूम किया मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज A। अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड करते हैं, ये उसका टोटल है, ये जो टोटल है वही यहां पे, ये A एड नहीं होता है, 17 प्लस A। D2 इज 13.75, ये 13.75 किसमें इंक्लूड होता है? 10 टू 20 में, इधर। ओके, 13.75 यहां पे आएगा इसमें, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। ये लोअर लिमिट है, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका CF है। वैल्यूज पुट किया, 2 5 जा, इसका LCM 5 2 10/5, ये 2 5 जा 2 A, 2 7 जा 14, 2 L माइनस में 1.75 डिवाइड, योर आंसर कम्स टू 8। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, प्लीज राइट डाउन दिस फर्स्ट। सो इन योर क्वेश्चन नंबर 8, इन योर क्वेश्चन नंबर 8, वीकली वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ 100 पर्संस, मतलब यहां पे आपके पास टोटल कितने लोग है? 100। सो एन इज सिग्मा एफ, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, 100 आएगा। एन ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल 100 and D3 is 1100, calculate the missing, how many frequencies are missing? 2. So we assume let the missing frequencies are, आप assume कुछ भी कर सकते हो बेटा, A and B, how many frequencies are missing? 2. दो frequency missing है, A and B, okay. LTCF as usual 7A, 7 and 25, 32, 62 plus A, B आ गया, 62A plus B, 62 plus A plus B, ये प्रोसेस में है, N याने, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना बेटा, देखो, सिग्मा एफ ऑलरेडी आपका कितना है? 100, और एफ का टोटल कितना है? 62 A plus B, ए प्लस बी, ओके। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ए बी कन्वर्ट कर लो या यू जस्ट कीप एज इट इज। आप क्या करो, उसको कन्वर्ट करना, आप कन्वर्ट करो, आपके रिक्वायरमेंट में तो दोनों फ्रीक्वेंसी मिसिंग है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, राइट? तो आप इसको एज इट इज लेने दो, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 38। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ क्लियर कर लेंगे, ओके। और इधर इसको क्या करना, मैं यहां पे पुट करता हूं D3 1100, therefore D3 क्लास इंटरवल। सी, मिसिंग से कोई कंसर्न नहीं है, आपको क्या करना है, आपका D3 जहां पे है 1100 का इंक्लूड होता होगा, 1100 ये एड हो जाएगा, 1100 आपका इसमें एड हो जाएगा। सो D3 क्लास इंटरवल इज 1000 to 1500, आपका लोअर लिमिट 1000 है, फ्रीक्वेंसी 25 है, CF 7 plus A, H हाइट कितना, हाइट यानी डिफरेंस कितना है बेटा यहां पे 500 का। तो आपका D3 का फॉर्मूला L प्लस 3 एन डी है ना, डी साइड 10 CF H अपॉन है, एज यूजुअल फॉर्मूला वाइज तो भी इतना डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। D3 ऑलरेडी 1100 है, आपका L 1000 है, N इज ऑलरेडी 100,
एन आपका इश्यू है ही नहीं, क्यों? एन इज ऑलरेडी 100 अपॉन डिसाइल से, तो 10 और इस सी एफ इंटू एच 500 एंड ए 25। सी अभी जो मैंने खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है ना बेटा, उस पर ध्यान दीजिए, ये जो सब्सटीट्यूशन है वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए D3 1100 लोअर लिमिट 1000 है, एन ऑलरेडी 100 है, ये हमने पुट कर दिया एच एन। ये ब्रैकेट इसीलिए जरूरी है क्योंकि माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, ये 1000 शिफ्ट होगा लेफ्ट में, प्लस में से माइनस शिफ्ट कर दिया, इसमें ये 00 कैंसल, ये आएगा आपका 30 - 7 - 8 20, ठीक है ना, जो कैंसलेशन है वो पॉसिबल है। 3 10 30 माइनस, माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ, -7 - 8 500 का आ गया डिवाइड बाय 20। ओके अभी यहां पे 100 है माइनस, ये 20 अपॉन में, आप नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इतने स्टेप्स लिखने ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट राइट आपने जो भी शिफ्ट किया, व्हाट इज योर ए, ए कम्स टू 18। तो आप बोलेंगे कि सर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तो डबल है, ए भी मिसिंग है, बी मिसिंग इज ऑल्सो देयर, तो उसका क्या करने का, उसका एक ऑप्शन है, ए ऑलरेडी 18 है, ए ऑलरेडी 18 है, इसको पुट करेंगे यहां पे, इसको इक्वेशन लिख, नाउ इन इक्वेशन 1 38 ए 18, सो अल्टीमेटली ए फाइंड हो गया, बी फाइंड हो गया आपके क्वेश्चन में, वैसे भी आपको क्या फाइंड करना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, सो देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 18 एंड 20। तो आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बेटा क्या आएंगे, 18 एंड 20। सो वन जस्ट स्मॉल रिकैप अगेन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, बट वन मोर कनेक्टिविटी के व्हेनेवर वी हैव टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज टोटल इज ऑलवेज गिवन। लिसन, अगर आपके क्वेश्चन में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कोई भी दो मिसिंग, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू तो दिया ही होगा, डिसाइल्स परसेंटाइल्स कुछ भी, बट आपका टोटल ऑलरेडी दिया होगा, क्यों? क्योंकि अगर टोटल नहीं होगा ना तो आप एट ए टाइम डबल मिसिंग नहीं ला सकते हो, सो इट्स टोटल इज ऑल्सो 100, ये टोटल 100 है आपका, ए प्लस बी 68, लेस किया 38, ये आ गया। अब आपको D3 गिवन है, अरे व्हाट इज D3, इट इज गिवन। ओके तो अगर आपको D3 दे दिया है वो यहां पे इंक्लूड होगा, ये सिलेक्ट किया, ये उसका CF वैल्यूज पुट किया फॉर्मूला में, फिर तो अल्जेब्रिक मेथड से A फाइंड हो गया 18, और A आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, यू गॉट B। ओके सो दीस आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड दिस? ओके इन योर क्वेश्चन नंबर 9, द वीकली प्रॉफिट इन रुपीज फॉर 100 शॉप्स, ये तो फिक्स्ड है 100 शॉप्स है, वीकली प्रॉफिट ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%, लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं बेटा कि जैसे यहां पे 60% दिया, हम कुछ नहीं सोचते डायरेक्टली P60 ले लेते,
but that your assumptions like P60 that is wrong. क्यों पता है? क्योंकि आपको लिमिट्स लेके आना है. लिमिट्स मतलब अपर एंड लोअर साइड बोथ. फिर से लिमिट्स ऑफ मिडल 60%. देखो क्या करना है, ये जस्ट आपके क्लेरिफिकेशन के लिए. समझो ये 100 है, जस्ट अज्यूम किया ये 0 है. 0% ना 100 ही रहेगा, 0 to 100. अब मुझे मिडल 60% चाहिए. क्या चाहिए? मिडल 60. अरे तो ऑब्वियसली पूरा 100% है और मिडल 60% अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों से 20-20 लेस करूंगा. ये 100 है, लेफ्ट में 20 राइट में 20 कट किया, दोनों साइड से 20-20 कट हो गया, तो मिडल में कितना परसेंट बचेगा? 60. मतलब के ये साइड का 20% है, ये साइड का 20% है, तो मिडल में क्या बच गया? 60%. 20, 20, 60. अरे बट ये 60 फाइंड कैसे करना है? जो यहां पे स्टार्ट हुआ है 20 वो आपका P20. अब पीछे से जब 20 आए, लेफ्ट से अंदर आए, राइट से अंदर, जब आप दोनों साइड से अंदर आएंगे तो यहां पे P20 होगा, तो यहां पे आपका क्या होगा? P80. आप बोलेंगे कि सर परसेंटाइल ही लेना है क्या? नहीं, यू हैव वन मोर ऑप्शन. आइदर यू कैन टेक D2 और यू कैन टेक D8. आप बोलेंगे सर क्वार्टाइल्स ले सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? अरे बहुत ही क्लियर है यार, क्वार्टाइल्स इसीलिए आप नहीं ले सकते हो क्योंकि क्वार्टाइल्स में तो 3 है ना, 25, 50, 75, वो आएगा ही नहीं इसमें. तो अभी आपके रिक्वायर्ड लिमिट्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. आप आइदर यहां पे आप फाइंड कर सकते हो P20 एंड P80, और यू कैन फाइंड D2 एंड D8. अल्टीमेटली फाइनल आंसर इज सेम. नाउ इट्स योर डिसीजन के परसेंटाइल से जाना है के डिसाइड से. ओके, विल गो फॉर द परसेंटाइल. ओके, सो एज यूजुअल जो आपको फाइंड करना होता है तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करेंगे? LTCF. चलो ये तो हमने अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड कर दिया, पता है ना, ये तो 10 10 प्लस 16 26 प्लस 26 52 प्लस 20 72 प्लस 20 92 प्लस 597 प्लस 300. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले P20 लेके आना है, तो आपका P20 है तो 20n/100. n कितना है? 100. तो ये 20 P20 है ना आपका, तो आपको चेक करना है 20 कहां पे एंटर होगा LTCF में. LTCF में 20 कहां पे एंटर होगा? इट इज एंटर इन 26. ऑब्वियसली ये जो 20 है ना उससे इमीडिएट ग्रेटर लेना है, ये जो 20 है उसका इमीडिएट ग्रेटर लेना है. कहां पे एंटर होगा? 26 में. तो ये सिलेक्ट हो गया. So P20 class interval is 1000 to 2000. ओके, ये सिलेक्ट हो गया. आपका लोअर लिमिट 1000 है, फ्रीक्वेंसी 16 है, CF 10 है, एज कितने का डिफरेंस है? ऑब्वियसली यहां पे डिफरेंस कितना है आपका? 1000 का. तो योर P20 L प्लस 20L/100 - CF × H/F. फिर से एक बार आपका फॉर्मूला देखो क्या आएगा. आपका फॉर्मूला चलेगा, तो ये आपका P20 का फॉर्मूला हो गया. ओके, ऑब्वियसली P20 आपको लेके आना है. लोअर लिमिट 1000 है, 20N/100 ऑलरेडी 20 है, CF 10 है,
8000 है, 816 है, व्हाटएवर नंबर्स तो जो होगा वो आपको यूज करना है। ये 1000 एंड तक चलते रहेगा, यहां कितना आएगा 10 into इसको डिवाइड करके 1000 में ऐड करना है। ओके जस्ट डू द रफ वर्क, पहले रफ में काउंट करिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,000 यू डिवाइड बाय 16। अगर आप 16 से डिवाइड करते हो इसको, तो यह आ गया आपका 1625 एंड ऑब्वियसली जो वैल्यू आपने फाइंड किया होता है ना बेटा वो इसके क्लास इंटरवल के इन बिटवीन ही रहेगा। सो दिस इज योर P20। वी वांट टू लिमिट्स, लिखाइए लिमिट्स मतलब ऑलवेज अपर लोअर दोनों होगा, तो ये P20 था सेम एज वी वांट P80 आल्सो। जस्ट रीचेक वन मोर टाइम, एक बार प्रॉपरली इसको देख लो बेटा फिर आगे प्रोसीड करना है। वन मोर टाइम, सो वी हैव आंसर ऑफ P20 सेम एज वी रिक्वायर P80 ऑल्सो। ओके सेम 80 एन इट कम्स टू 80। व्हाट इज द हाई मतलब के ग्रेटर देन 80, 26 नो, 52 नो, 72 नो, 92 यस। 80 से 80 देखो, सॉरी माइक अनम्यूट था, डोंट वरी। MP80 फाइंड करना स्टार्ट किया बेटा, तो आपका 80 किसमें इंक्लूड होगा, 26, 52, 72, 92, 92, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। So, P80 class interval is 4000 to 5000, आपका lower limit है 4000, frequency कितना आपका 20, CF कितना है 72, H कितना है, H यहाँ पे difference है 1000 का, तो यहाँ आएगा P80, L plus 80N upon 100 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ, एल 4000 है, 80N अपॉन 180, सी एफ 72, एच 1000, एफ 20। अल्जेब्रिक प्रोसेस तो आपको पता ही बेटा, जो जनरल फॉर्म में हम करते हैं वैसे ही करने यहां पे आपको, यहां आएगा 8 into 50, सो वी गॉट P80 जो नॉर्मल फॉर्म में फाइंड हुआ है बेटा। एक बार रीचेक कर लो क्या करना है कैसे। आपके आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%, तो लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% कितना आएगा 1625 एंड 4400, क्या आएगा 1625 एंड, तो आपको आंसर लिखना है यहां पे देयरफॉर लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% इज लोवेस्ट में 1625 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है रुपीज। ओके सो बाय सॉल्विंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एंड दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन
सी सिलेक्टेड क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है बट डोंट वरी वी एक्सप्लेन वी कंप्लीट दैट ऑल क्वेश्चंस बट एट प्रेजेंट जो टॉपिक के कंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आई एम कंप्लीटेड माय लेक्चर एज वेल एज चैप्टर हियर आप बोलेंगे सर कोई कोई क्वेश्चन डोंट वरी बेटा जब हम पर्सनली मिलेंगे ये जो भी मिसिंग वाला पार्ट है डेफिनेटली विल रिवाइज क्यों पता है क्योंकि अभी एक प्रेजेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हुआ है सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक क्योंकि इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ग्राफ बेस्ड है तो अभी एक प्रेजेंट ग्राफ का रिक्वायरमेंट नहीं है लेट्स कॉलेज स्टार्ट होने दो कॉलेज में क्या करवाएंगे उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे ओके सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एंटायर चैप्टर नंबर वन ओके चलिए सो बाय बाय एवरीवन टेक केयर गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके बाय एवरीवन बाय बाय